पाएंगे। देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए नीचे वाला लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बॉन्साई लवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपके सामने जो बॉन्साई पेड़ का लेके आया हूँ, उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कैसे उसके ऊपर काम करता है। एक छोटा पेड़ था इसका पहले, उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको अभी बॉन्साई का स्ट्रक्चर देने का कोशिश कर रहा है। हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है, ये बॉन्साई पेड़ का नाम है प्रेमना। ये प्रेमना बहुत ही सुंदर और बहुत फास्ट ग्रो होने वाला पेड़ में से एक है। तो मैंने ये इसको एक छोटा एकदम से छोटा नर्सरी से एक प्रेमना पेड़ खरीदा था, उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते करते इसका उम्र अभी तक 4 साल हो चुका है। हर साल में 6 मंथ के अंदर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। आप देख रहे हैं पहले से इसके ऊपर काम किया हुआ है, वायरिंग वगैरह किया हुआ है। आज मैं इसको फिर से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो ब्रांचेस के ऊपर मेरा काम करना चाहिए, जो जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ गया है उसको मैं अभी निकल देंगे, और जो ब्रांचेस मेरे को फ्यूचर में अच्छा सुंदर सा स्ट्रक्चर देंगे वो ब्रांचेस को मैंने रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे धीरे धीरे इसको ब्रांच सिलेक्शन कर रहा हूँ। ब्रांच सिलेक्ट करके उसको मैं जिसको नेसेसरी है, जिसको ज़रूरी है, जो ज़रूरी है उसको मैं रख दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को मैं डिडक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट करके लिखा है प्रेमना बॉन्साई नहीं मिलता है। मैं उस सब दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, प्रेमना बॉन्साई वेरी इजी टू फाइंड आउट। आप जो जो कोई भी छोटा मोटा सा नर्सरी में जाइए, उसके जाके आप बोलिए प्रेमना बॉन्साई का मेरे को दीजिए, तो प्रेमना बॉन्साई आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा आप बड़ा नर्सरी में जाइए, प्रेमना बॉन्साई आपको लाइफ टाइम एक बार भी खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितना भी प्रेमना बॉन्साई बनाना है उसको जो ब्रांचेस आप काट के हम लोग फेंक देते हैं, उससे आप नया नया प्रेमना बॉन्साई बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे इसके ऊपर डिज़ाइन कर रहा हूँ बॉन्साई का। बॉन्साई एक दो दिन का काम नहीं है, ये मिनिमम 5-6-7-8 साल का काम होता है। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपका बॉन्साई देखने में अच्छा लगेगा। अब प्रेमना बॉन्साई बहुत ही अच्छा सुंदर होता है, मार्केट में इसका बहुत ही डिमांड है। अगर आप अच्छा से इसका साक्षात देंगे बॉन्साई का, तो इसको आप बेच के भी आप बहुत सारे मनी अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेमना बॉन्साई में, अगर कोई भी बॉन्साई में कुछ भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करके लिख के भेजिए, मैं आपको हेल्प कर देंगे। बॉन्साई पेड़ के लिए कैसे सॉइल बनाते हैं, कैसे मिट्टी बनाया जाता है, मेरे को बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं, तो मैं उन दोस्तों को मैं एक ही बात बताएंगे। मेरे चैनल में बहुत सारे बॉन्साई सॉइल का ऊपर वीडियो है, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिए। तो मैंने दे दिया है बॉन्साई सॉइल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो हर रोज आपके लिए जो बॉन्साई पेड़ का वीडियो अपलोड करता हूँ, कैसे बॉन्साई पेड़ करना चाहिए, कैसे बॉन्साई पेड़ होता है, कौन कौन सा बॉन्साई पेड़ होता है, तो प्लीज़ मेरा हक मेरे को दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसमें जाके क्लिक कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी आपका दिक्कत हो। तो देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैं प्रेमना बॉन्साई के ऊपर पहले से इसको मैं सॉइल और मिट्टी मैंने चेंज कर दिया है, रिपोर्टिंग हो चुका है। फिर इसके मैं 6 महीना 1 साल के बाद फिर इसको सॉइल चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले ये प्रेमना गाछ कितना देखने में ख़राब लग रहे थे, अभी देखने में थोड़ा थोड़ा
सुंदरता आ गया है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट लेयर हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड आफ्टर दैट फोर्थ लेयर के बाद मैं ये बोनसाई का कंप्लीट कर देंगे। तो ये करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएंगे, 4 साल हो गया इस पेमना इतना तक आने के लिए, तो और भी लगेगा मेरा ख्याल से, और 2-3 साल तो लग ही जाएगा। उसके बाद थोड़ा देखने के मिलेगा बोनसाई का स्ट्रक्चर और अच्छे सा बोनसाई का लुकिंग भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितना तरीके से वैरायटी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, बोनसाई कटर से लेके सब कुछ मैंने यूज़ करता हूँ। हाँ दोस्त, और एक बात आपको ज़रूर मैं बता देंगे, मेरे को कुछ फ्रेंड ने बोला है, जो आप जो वेयर करता है, जो वायरिंग का जो वेयर होता है, तो कहाँ से मिलता है वो आपका, आपका नज़दीक जहाँ पर इलेक्ट्रिकल बड़ा शॉप होता है, जहाँ हर वेयर उसका अवेलेबिलिटी होता है, स्टॉक रहता है, उसमें जाके आप पूछिए, उधर में आपको बोनसाई का वायरिंग का वायर मिल जाएगा। और इसके बाद भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके लिख के भेजिए, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बता देंगे। देखिए दोस्तों, कैसे मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ, बोनसाई करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, अगर छोटे मोटे जल्दबाजी से कोई भी एक ब्रांच टूट जाए तो उस ब्रांच के लिए आपको 6-7 महीना वेट करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ही धीरे धीरे पेशेंस रख के आपको बोनसाई के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपके लिए, जो अभी अब जब भी बोनसाई कीजिए तो आपका हाथ में सब काम मिटा के उसके बाद ही बोनसाई के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि थोड़ा भी जल्दबाजी में कोई भी ब्रांच टूट सकता है, इसलिए पूरा धीरे धीरे हाथ में टाइम लेके धीरे धीरे बोनसाई के ऊपर काम कीजिए। देखिए मैंने कैसे उसको धीरे धीरे नीचे वाला टांग से करता हूँ, करके आ रहा हूँ काम, बहुत सारे मेहनत बहुत सारे टाइम लगता है बोनसाई में, और 1-2 दिन का काम नहीं होता है, सालों साल का आपका काम होता है, सालों साल का आपका पेशेंस रखना पड़ता है बोनसाई के ऊपर। देखिए दोस्तों, अभी तो मेरा ये प्रेमना बोनसाई ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम हो चुका है, अभी इसको ऐसे ही रख देंगे, फिर 2-3 महीने के बाद रेगुलर बेसिक में फॉलो करेंगे, फिर दो तीन महीने के बाद फिर इसके ऊपर काम करेंगे, जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा ब्रांचेस आएंगे। देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए नीचे वाला लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसमें जाके क्लिक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए मेरा हर रोज बोनसाई का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।